हेलो सॉर्ट इंडियंस, हाउ आर यू ऑल? एम आई ऑडिबल? तो आज भैया बहुत एक्साइटिंग एक लेक्चर लेके आया हूं आप सभी के लिए। लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक न्यूट्रिशन है उसको हम एक ही शॉट में आज खत्म कर देंगे। वन शॉट लाइफ प्रोसेस। ओके, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना अगर इंटरेस्टिंग लगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये इंटरेस्टिंगली समझाऊं। ओके, हेलो रितु, हाउ आर यू? सो न्यूट्रिशन क्लास 10th का टॉपिक है, टर्म 1 में आने वाला है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत आता है। सो वी आर गोइंग टू फिनिश इट इन वन शॉट। शुरू से लेके न्यूट्रिशन क्या होता है और ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको हम अभी फिनिश करने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड जो लोग अभी भी न्यू है, ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, या हमारे चैनल पर नए हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि मैं रोज रात 8 बजे मेरी कोशिश रहती है आपके लिए एक्साइटिंगली ऐसे ही यस आई एम फाइन ऑल्सो रितु, ऐसे ही इसी तरह के मैं आपके लिए लाता रहता हूं वीडियोस टीचिंग से रिलेटेड और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है। मेन पर्पज हमारा स्टडी करना है, अच्छे से अच्छी स्टडी हम लोग करेंगे। तो चलिए समय बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। आई बिलीव ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। विंडो आई थिंक कहीं पे मुझे छोटी सी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। विंडो को मैं एक बार यस पूरा एग्जैक्ट साइज में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे विंडो यस आपको विंडो पूरी की पूरी दिखाई दे। यस ओके, विंडो अच्छे से दिख रही है अब तो, सब कुछ विजिबल होगा मेरे पीठ के पीछे, आपको सब कुछ नजर में आएगा। हेलो रजत, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास, एक ही शॉट में आज फिनिश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चलिए, जय माता दी रॉक्स। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं भाई? लाइफ प्रोसेसेस, हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं अभी तक, हमने कई टाइप के लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या? वो प्रोसेसेस जो हमारे जीवन को कंटिन्यू करते हैं, जो हम जिनकी वजह से हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ओके, इज दिस क्लियर? वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से, हेलो जन्म, हमारी लाइफ कंटिन्यू रहती है, उनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। कौन से वो प्रोसेसेस हो सकते हैं? ठीक है, वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से लाइफ कंटिन्यू रह सकती है। सोच के मुझे बताइए कौन से ऐसे वो प्रोसेसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में? हमारी लाइफ को मेंटेनेंस कर रहे हैं, हमारी लाइफ उसकी वजह से सस्टेन हो रही है। मेंटेनेंस कैसे हो रही है? हमारी बॉडी को एक मशीन समझ लो। अगर हमारी बॉडी को आप एक मशीन समझ लोगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। मशीन कैसे? ये पूरी मशीन ही तो है जिसमें ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। जब से हम जन्म लेते हैं, या जन्म क्या कहूं, जब हमारी फर्स्ट सेल बनती है, जायगोट बनता है, उसके बाद सेल में डेवलपमेंट होना शुरू होता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, तब से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, तब तक हमारी बॉडी के अंदर ये जो मशीन है, ये जो बॉडी है हमारी, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो काम करते रहे। तो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। हमारे अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। क्लास 9th में मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कितनी सेल्स होती है हमारे अंदर, भैया 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये 100 ट्रिलियन सेल्स क्या कर रही हैं? ये सबकी सब फंक्शंस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ये सबकी सब फंक्शंस कर रही हैं। वेरियस टाइप के फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। और ये फंक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि लाइफ कंटिन्यू करनी है, लाइफ सस्टेन करनी है। जब तक हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, हमारी लाइफ चल रही है। हमारी लाइफ चल रही है यानी ये फंक्शंस अच्छे से हो रहे हैं, तो हमारी लाइफ, जब कोई मशीन है, तुमने सपोज करो एक कार खरीदी, तो कार में फ्यूल डालोगे वो चलता रहेगा। इसी तरीके से हम फूड खाते हैं, एनर्जी मिलती रहती है, न्यूट्रिएंट मिलते रहता है, मगर हमें कार को टाइम टू टाइम सर्विसिंग करानी पड़ती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, रिपेयर होते रहते हैं। ओल्ड टिश्यूज, वॉर्न आउट टिश्यूज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनकी जगह नए टिश्यूज को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपकी रॉयल इनफील्ड में, आपकी बुगाटी में जब रिप्लेसमेंट होता है टूल्स का, जब रिप्लेसमेंट होता है, उसके नट बोल्ट बदल दिए जाते हैं, फिल्टर बदल दिए जाते हैं, टायर बदल दिए जाते हैं, ऑयल बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेंटेनेंस हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये मेंटेनेंस जॉब बॉडी अपने आप कर रही है, किसी सर्विस सेंटर पे नहीं ले जाना पड़ता।
हम बीमार पड़ रहे हैं, हेलो नीरव, वेरी गुड ऋतु। तो हमारी बॉडी जब बीमार पड़ रही है तब तो हमें डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है। उसके अलावा जब भी हमारी बॉडी में, जब भी हमारी बॉडी में ये मेंटेनेंस हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उस ऑटोमेटिक मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारे चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो हम अभी आगे देखने भी वाले हैं कैसे। ये न्यूट्रिएंट्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस जॉब को आसान बनाते हैं, उसमें एड करते हैं, हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस जॉब क्यों चल रही है? क्योंकि जब तक हमारी लाइफ है ये मेंटेनेंस जॉब चलती रहेगी, ये मशीन काम करती रहेगी। जो शरीर रूपी मशीन है, वसासी देहा जीर्णानी शरीरा, जो भी ये मशीन है आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि शरीर है नश्वर है, तो ये चलता रहेगा भैया, और इसकी जब तक लाइफ चलती रहेगी मेंटेनेंस जॉब होती रहेगी। तो इस मेंटेनेंस जॉब को करने के लिए हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए लाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। लाइफ को यानी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो बॉडी में ही एग्जिस्ट कर रही है ना। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, तो उस शरीर में शरीर ही मरता है, आत्मा तो नहीं मरती, तो लाइफ किसकी है? शरीर की है। यानी बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, और इस मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन्हीं फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन कर रही है। तो कौन कौन से वो फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें से मेरे को आप बताना कौन से हमारी लाइफ के लिए जरूरी है और कौन से हमारी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है। पहला, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात चली रही थी, हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए, हमारी बॉडी को सब्सटेंसेस चाहिए। वो सब्सटेंसेस कहां से आएंगे, कहां से आएंगे वो सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ मेरे को, वो सब्सटेंसेस कहां से आएंगे? ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी हम खाना वाना खाते हैं, जो है ना, तो हमारी बॉडी को चाहिए भैया केमिकल्स। केमिकल्स क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। फ्यूल की बात कर रहे थे ना हम, तो फ्यूल एनर्जी है। एक बाइक को, कार को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, सही कह रहे हो। तो एनर्जी, फ्यूल हमें चाहिए, वो हमें केमिकल सब्सटेंस से मिलता है। उस केमिकल सब्सटेंस का क्या नाम रख दिया हमने? फूड। उस फूड के अंदर क्या है? उस फूड के अंदर है न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर क्या है भैया? दिस फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है। वो फूड ही रिपेयर कर रहा है, टिश्यूज को रिपेयर कर रहा है, सेल्स को रिपेयर कर रहा है, ठीक है। वो केमिकल सब्सटेंसेस बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, अब उनको मैं बायोकेमिकल सब्सटेंस लिख रहा हूं, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि जो सब्सटेंसेस अब हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर रही है वो सारे के सारे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होंगे। तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बना रहा है। अभी आपका हेयर है, आपकी स्किन है, आपकी बोन है, ये सब बायोकेमिकल सब्सटेंसेस के बने हुए हैं। इनके लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल हमने बाहर से खाया। चाहे तुमने चिकन खाया, चाहे तुमने मटन खाया, चाहे तुमने सब्जी खाई, तरकारी खाई, भाजी खाई, घास खाई, कुछ भी खाई, ठीक है, तो हमने जो भी खाया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खा रहे हैं वो हमें फूड से मिल रहा है। फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं, वो रॉ मटेरियल है जिससे एक फाइनल प्रोडक्ट बॉडी बनाती है। तो एनर्जी मिल रही है, फ्यूल मिल रहा है, रिपेयरमेंट हो रही है, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हो रहे हैं, तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत है। बिना न्यूट्रिशन के, बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दैट वी नो। बिना फूड के हम में से कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बायोकेमिकल्स की जिसकी मैं बात करी है यहां पर, बायोकेमिकल सब्सटेंसेस देख रहे हो, तो ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस की मैं बात कर रहा था। ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस ही हमारे लिए भैया जरूरी हैं, ठीक है। कहां से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट से मिलते हैं। अगर हम खाना खाएं, नहीं खाएं, तो फर्क पड़ता है ना लाइफ पे हमारी। अगर हम खाना खाना छोड़ दें तो हमारी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है, जिंदगी खराब हो सकती है, लाइफ कैन बी एट रिस्क, ठीक है। खाना नहीं खाएंगे तो जिंदगी पर संकट आ जाएगा, जीवन पे संकट आ जाएगा, और संकट हमें चाहिए नहीं। तो संकट नहीं चाहिए तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन जरूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएं हमारी जिंदगी पे रिस्क आ जाएगा, यानी न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है। अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, मगर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमें वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बनाने हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे मिलेंगे? एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो उसमें से उन न्यूट्रिएंट्स को निकाला जाता है, ब्रेक डाउन करके निकाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं, उसके अंदर हिडन रहते हैं, वो उनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हाँ, मर जाएंगे हम। ओके, तो न्यूट्रिशन हमें चाहिए भाई। ओके,
चलिए, तो न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया, न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अब ये भी जो न्यूट्रिएंट्स थे, यहां से हमने क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है भाई। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में और क्या चाहिए, हमारी बॉडी को वाटर चाहिए, पानी आप पीते हो पकड़, एक एक सेल को वाटर चाहिए, हमारी बॉडी में सेल को वाटर चाहिए, तो वो वाटर हर सेल तक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है ना बाबा, जरूरी है ना, यस, तो जरूरी है, वाटर जरूरी है। चलिए, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये भी जरूरी है भाई। ये न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उस फूड में से वो एनर्जी निकालेगा कौन, कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी निकालेगा कौन, ऑक्सीजन निकालेगी, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। एवरी सेल रेस्पायर, प्रत्येक सेल, ईच एंड एवरी सेल इन आर बॉडी, 100 ट्रिलियन सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट अडल्ट हो गए तुम लोग, मतलब पूरे अडल्ट नहीं हुए, एक्चुअली नॉट अडल्ट बट ऑलमोस्ट। तो भैया तुम्हारी सेल बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सबको चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी भाई यहीं से आएगा, कहां से आएगा, फूड से आएगा, फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा वहां से आएगा, और उसमें से निकाल, फूड में से एनर्जी निकालने का काम ऑक्सीजन करेगा, फूड में से एनर्जी निकालने का काम कौन करेगा, ये ऑक्सीजन भाई साहब करेंगे, ऑक्सीजन करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जब बॉडी में मेंटेनेंस जॉब हो रहा है, मेंटेनेंस जॉब को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब कौन बताएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है भाई, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्या कहते हैं हम, बायोकेमिकल एक्टिविटीज या रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन सब का सम टोटल, उन सब का सम टोटल, सम टोटल जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज इज नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है उन सब का टोटल हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो एक तो होगा प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट बनेगा मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और एक होगा बाई प्रोडक्ट, और ये बाई प्रोडक्ट अक्सर अक्सर नॉट रिक्वायर्ड होता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बॉडी को वो चाहिए नहीं, उस टाइम नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, नॉट रिक्वायर्ड चीजें हम कैसे कंसीडर करते हैं, हम नॉट रिक्वायर्ड चीजों को कहते हैं वेस्ट। तो जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस भाई बॉडी के अंदर हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन जब भी बॉडी में होती है तो एक प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है जो बॉडी यूटिलाइज करेगी, एक बाई प्रोडक्ट होगा जिसको बॉडी डिस्कार्ड कर देगी, जिसको डिस्कार्ड करने का मतलब है उसको निकाल देगी, रिमूव करेगी, तो वो हमारे लिए वेस्ट है। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जरूर प्रोड्यूस होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होंगे, तो वेस्ट को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ये वेस्ट कहां पर प्रोड्यूस होगा, ये वेस्ट भैया ईच एंड एवरी सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, यहां पर ये समझने की जरूरत है कहां पर हो रहा है, सारा का सारा फंक्शन मेरे सिर के ऊपर दिख रहा होगा, यहीं पर हो रहा है सेल पे, तो सेल पर ही सारे फंक्शन हो रहे हैं, सेल के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर ही फंक्शन हो रहा है, जब सेल के अंदर भैया फंक्शन हो रहा है तो सेल में ही वेस्ट जनरेट होगा, हर सेल से वेस्ट लेकर उसको एक प्रॉपर जगह पे डंप करने का काम, वहां से बॉडी से बाहर निकालने का काम बॉडी को करना है, तो हर सेल से वो कलेक्शन होगा ना, तो यानी कि हमें क्या 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 ट्रांसपोर्ट करना है, हमें हर सेल से वेस्ट भी लेके आना है, हर सेल तक हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है, हर सेल तक हमें वाटर पहुंचाना है, हर सेल तक हमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है, इसके अलावा भी कुछ पहुंचाना होता है, हाँ हमारी बॉडी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है, बायोमोलिक्यूल्स जैसे गैस्ट्रिक जूसेस, या मैं इसको एग्जाम्पल पूरा ही लिख देता हूं, डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर लेते हैं, क्या डाइजेस्टिव जूसेस ट्रांसपोर्ट तो होता है ना भाई, जहां वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां से वहां तो आएगा साइट ऑफ एक्शन तक, तो डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ हॉर्मोन्स भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो उन हॉर्मोन्स को भी उनके साइट ऑफ एक्शन तक ले जाने का काम करना पड़ता है, यानी बॉडी के अंदर कई किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है चीजों को, तो ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए आपको, अभी तो चलो पेंडेमिक चल रहा है, स्कूल
दो तीन महीने खुले थे अभी कुछ महीनों पहले, फिर से बंद हो गए हैं, मगर आपको कहीं जाना है, आपको सपोज करो अपने रिश्तेदारों के यहां जाना है, आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो भाई उस फंक्शन में जाओगे तो किसी ना किसी चीज से जाओगे। अगर मैं मेरठ में रह रहा हूं और तुम्हारे रिश्तेदार और हमारे रिश्तेदार हरिद्वार में है, तो हरिद्वार तक पैदल थोड़ी चल देंगे। हालांकि ठीक है भैया, जल लेके आते हैं सावन में हमारे यहाँ जल, अभी तो दो साल से तो बंद ही है, हरिद्वार से लोग जल लेके आते थे मेरठ तक, मैं भी लेके आया हूं कई बार, मगर गुड इवनिंग मिस्ट्री, मुझे एक बात बताओ आप कि हमें अब अगर कहीं जाना है, एक शहर में ही हमें कहीं जाना है, अगर बिल्कुल सटा हुआ घर नहीं है, आधा किलोमीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो तुम कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही बॉडी में से सब्सटेंसेस हर सेल तक जाना है और हर सेल से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक प्लेस पे आना है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन में आना है, तो वो सब्सटेंसेस का आदान प्रदान जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, यहां पर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारे लंग से ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचनी बंद हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, टें 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 टें, बाजा बज जाएगा, है ना, अच्छा वाला बाजा नहीं, खराब वाला बाजा बज जाएगा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं मिले, 2 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले, ब्रेन डेड हो जाएगा, है ना। अब वो वाला चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है, वो हमारे दुर्भाग्य है कि बार बार सीबीएसई उस चैप्टर को हटा दे रहा है, मना उससे बेहतरीन चैप्टर नहीं था, बायोलॉजी बहुत बेहतरीन है, सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने वाले चाहिए, ठीक है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं, पढ़ने वालों की कमी है बस। आजकल लोग मजे लेने के लिए जाते हैं पढ़ने, चाहे फ्री में पढ़ा लो, चाहे कोचिंग्स में पढ़ा लो, चाहे स्कूल में पढ़ा लो, बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, मनी और टाइम वेस्ट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे और इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ क्लासेस ली जाती है हमेशा, चाहे स्कूल में कह लो, चाहे यूट्यूब पे कह लो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में कह लो, टीचर सिर्फ उन्हीं के लिए जाता है जो पढ़ने आते हैं। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव जूसेस, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब की सब चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है। अगर ये चीजें बंद हो जाए ट्रांसपोर्ट होना, तो लाइफ पे खतरा आएगा। ऑक्सीजन का एक एग्जांपल दिया मैंने, वाटर ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो तब भी लाइफ खत्म, न्यूट्रिएंट्स ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो भी लाइफ खत्म, ठीक है, तो डेंजरस है। यानी ये सब अगर ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं, सर इट्स टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये रेस्पिरेशन है, मुझे बताओ क्या ये रेस्पिरेशन है, टेकिंग इन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ये ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग है। हेलो रिया, हाउ आर यू, ये ब्रीदिंग है भाई। रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग डाउन होता है, हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी सेल, एवरी सेल रिक्वायर दिस एनर्जी। भैया फ्यूल के बिना तो कोई मशीन ना चले, कोई मशीन चल सके। अभी हमारा लड़का वो हरियाणा का नीरज चोपड़ा भाला फेंकता, तो उसे कितनी एनर्जी थी उसके अंदर, एनर्जी कहां से आई, उसने कहा जी मैं तो गौ माता का दूध पीता था, चलो दूध पी रहा है, खाना खा रहा है, तभी तो एनर्जी आ रही है। तो बिना एनर्जी के थोड़ी उसकी सेल्स ने काम कर लिया, बिना एनर्जी के थोड़ी उसने भाला फेंक दिया, इतनी दूर नहीं फेंक सकता कोई भी, तो उसने अपने शरीर को इस काबिल बनाया, उसने उसकी एनर्जी कंजम्पशन है। तो एनर्जी कहां से मिलती है, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें कंपोनेंट होता है, जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक और एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, जिसको हम बोलते हैं फैट्स। इन दोनों से एनर्जी मिलती है, फैट्स के हालांकि और काम भी हैं, मगर फैट से भी एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनका ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी मिलती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है, तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी हर सेल को चाहिए, क्योंकि हर सेल फंक्शन कर रही है, बिकॉज सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां पर यह बात समझने की जरूरत है, सेल फंक्शनल यूनिट होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया सेल काम कर रही है। तुम भले ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, तुम्हारे 100 ट्रिलियन सेल है, इससे भी ज्यादा है, तुम्हें खाती हो, एलिफेंट के बात ले लो, तो एलिफेंट भी के अंदर भी सेल्स हैं, वो ही फंक्शन कर रही हैं। वो ऑर्गन्स क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सेल ही तो फंक्शन कर रही है। तो सेल्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी
फूड से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट फैट से मिलेगी, मगर जब इनका ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा इनका ब्रेक डाउन होगा, रे बाबा ब्रेक डाउन होगा तब इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक एसेंशियल हो गया अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले। मैं अभी बात कर रहा था ना, ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, है ना, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, सब कुछ उड़ जाएगा हमारा। तो जब हमारा सब कुछ उड़ जाएगा भैया, तो हमें यहाँ समझने की जरूरत है, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि रेस्पिरेशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट लिख देता हूं मैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे एक वेस्ट जनरेट हो रहा है, और ये जो वेस्ट होता है दिस इज टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक का मतलब है हमारे लिए जहरीला है, हमारी जान जा सकती है। हेलो श्रीकांत गुज्जर जी, कैसे हैं आप? तो हमारी जान जा सकती है, और जान है तो जहान है, है ना, जान है तो जहान है, इसलिए हमारा देश महान है। ठीक, तो टॉक्सिसिटी, ये वेस्ट को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में ही रह जाए तो तेरी मेरी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना, यही हो जाएगी अपनी कहानी। ओके, चलिए, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो ये भी एक एसेंशियल प्रोसेस है, यानी ये लाइफ प्रोसेस है, एसेंशियल प्रोसेस है, अगर ये नहीं हो आदमी खत्म। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी एक पेड़ से, एक मैंगो ट्री से मैंगो ट्री बनेगा, एक बिल्ली से एक बिल्ली प्रोड्यूस होगी, एक डॉगी से एक डॉगी प्रोड्यूस होगा, एक एलिफेंट से एक एलिफेंट प्रोड्यूस होगा, एक ह्यूमन से एक ह्यूमन प्रोड्यूस होगा। ये स्पीसीज को कंटिन्यू करने वाला प्रोसेस है कि वो उस तरह की एक स्पेसिफिक स्पीसीज इस पृथ्वी पर उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। पर कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, किसी ह्यूमन का एग्जांपल ले लो, लोग नहीं करते शादी, नहीं करनी भाई हमें शादी, हमें नहीं पसंद शादी, हमें नहीं बच्चे पैदा करने, है ना, या किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है किसी भी वजह से, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा किसी भी कारण से, तो क्या उसकी खुद की लाइफ पे कोई खतरा है? नहीं, उसकी खुद की लाइफ पे कोई खतरा नहीं है। तो एक लाइफ प्रोसेस है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल है, मगर दिस इज नॉट डेंजरस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इससे लाइफ पे कोई, बायोलॉजिकल लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी जिंदगी चलती रहेगी, लाइफ सस्टेनेबल रहेगी, लाइफ सस्टेन करेगी। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम अपनी बुद्धि लगा के पढ़ रहे हो, मैं अपनी बुद्धि और एनर्जी लगा के पढ़ा रहा हूं, मैं अपने हाथ पैर चला रहा हूं, दिमाग चला रहा हूं, ये सब काम कैसे हो रहा है? ये हम कंट्रोल से हो रहा है। और कंट्रोल किसका है? हमारे ब्रेन वा का कंट्रोल है, दिमाग का कंट्रोल है, ब्रेन का कंट्रोल है, और यही कोऑर्डिनेट कर रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज। मैं आपके जवाब दे पा रहा हूं, आप मेरे सवाल सुन पा रहे हैं, या व्हाट्सो एवर जो भी चीजें हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे ब्रेन की वजह से हो रही है, यानी एक कोऑर्डिनेशन है। अगर हमें कोई गरम गरम चीज चुभ गई है, हम चलते हुए जा रहे हैं और कोई पैर में कांटा लगा, तो कांटा लगा तो दर्द होता है, कांटा हटाते हो, पैर वहां से विड्रॉ करते हो अपना, कांटा निकालते हो तब आगे बढ़ते हो, चोट लग गई तो इलाज करते हो, पट्टी लगवाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई करते हो, है ना, मरहम पट्टी करते हो, करवाते हो। तो ये सारी चीजें जब हम कर पाते, क्यों कर पा रहे हैं? अपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हो गया, मगर इसके लिए एक चैप्टर अलग से है। इसके लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे मेटाबॉलिक फंक्शन ही क्यों रहे हैं, वो ब्रेन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, मगर इसके लिए चैप्टर अलग है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो खुशखबरी यह है कि यह चैप्टर नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट है, हमें मूवमेंट दिखाई देती है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, पौधे मूव करते हैं, उनके रूट्स मूव कर रहे हैं, उनके शूट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है। मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, उसकी लीव्स को टच कर दो, फूक मार दो तो वो लीव्स बंद कर लेगा, ये भी तो मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये लाइफ का एक साइन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, मगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक फिक्स्ड, जैसे हाइड्रा की बात ले लो, हाइड्रा एक जगह पे फिक्स रहता है, स्पंजेस अपनी जगह पे, एनिमल बता रहा हूं, ये अपनी एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो यहां पर मुझे आप बताइए, क्या
अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है मूव, तो उसके जीवन पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी एक, हालांकि लाइफ का साइन है, मगर एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से लाइफ अनसस्टेनेबल हो जाए इसकी एब्सेंस में। तो यहां तक हमने देखा चार जो अपने हमने देखे, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। इनमें अगर कोई भी गड़बड़ होती है, इनकी फंक्शनिंग में कोई भी गड़बड़ होती है, तो लाइफ पे सीधा सीधा थ्रेट आ सकता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन हमारे सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बॉडी में जरूर है जो कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी लाइफ पे असर डालती हैं, इसकी वजह से लाइफ पे थ्रेट भी आ सकता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है। मगर मूवमेंट, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन, ये दो ऐसे हैं जिनकी एब्सेंस से सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारे चार लाइफ प्रोसेस 1, 2, 3, 4 हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आइए इनको बारी बारी से देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, क्या होता है न्यूट्रिशन, आपके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन क्या है, क्या कहेंगे आप न्यूट्रिशन को? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को प्रोक्योर कर रहे हैं। देखो न्यूट्रिएंट, हम सभी फूड लेते हैं। फूड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी बॉडी की पहली रिक्वायरमेंट है एनर्जी, दूसरी है ग्रोथ, तीसरी है रिपेयरमेंट। भाई इतनी तो है, एनर्जी चाहिए, ग्रोथ होती ही रहेगी, रिपेयरमेंट होता ही रहेगा, ठीक है? तो ये तो कुछ एसेंशियल चीजें हैं। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं। ग्रोथ, क्योंकि सेल्स भैया ग्रो करेंगी। रिपेयरमेंट, सेल जब फंक्शन करेंगी तो वियर एंड टीयर होगा, वो घिसेंगी, वो टूटेंगी, उनकी ओल्ड एज होगी तो नई सेल्स उनको रिप्लेस करेंगी, तो ऐसा भी तो होना है ना बाबा। तो ऐसा जब होना है तो उसके लिए हमें चाहिए फूड, क्योंकि ये जो सारी एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल रखता है, जो रॉ मटेरियल लगता है, वो हमें फूड से मिलेगा। उस रॉ मटेरियल को कहते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। दैट रॉ मटेरियल इज नोन एज न्यूट्रिएंट, उसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, ठीक है? तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट प्रोक्योर करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिएंट जो आ रहे हैं वो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, हमें इनसे सब्सटेंस बनाना है, हमारी बॉडी इनसे डिफरेंट सब्सटेंस बनाती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, इनके थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स का को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में पहले तो ब्रेक किया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो छिपे हुए हैं फूड के अंदर, तो उस फूड का ब्रेकडाउन होगा। फूड के ब्रेकडाउन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोसेस किया जाएगा और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनाए जाएंगे जो हमारी बॉडी बनाएगी। बायोमोलिक्यूल्स बनाए जाएंगे इसी पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट, सिंथेसाइज देम, चेंज देम इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। देखो बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन ही हो रही हैं। यहां पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में भाई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन दीज आर एसेंशियल फॉर आर लाइफ। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, जितने भी फंक्शंस अभी हो रहे हैं ये सारी के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ही ये न्यूट्रिएंट को हम सिंथेसाइज कर पाते हैं, ठीक है? मगर उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ये न्यूट्रिएंट हमें रॉ फॉर्म में चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलेंगे, फूड से। तो फूड से इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोक्योर करने का प्रोसेस, उनको ब्रेकडाउन करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया, ठीक, न्यूट्रिशन हमें समझ में आ गया। अब न्यूट्रिशन के मोड्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन देखो भाई बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो की अगर बात करोगे, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ, ठीक है? अब ऑटोमेटिक मशीन्स आती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स की भाई उनको एनर्जी देते रहो, वो काम करती रहेगी। आपके पास सभी चीजें आजकल ऑटोमेटिक हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, यानी उसमें सर्फ डालना है, कपड़े डालने हैं और बटन ऑन करना है, बाकी सारा काम वो अपने आप कर देगी। एनर्जी का यूज कर रही है, बाकी उसमें सारा काम अपने आप हो रहा है। तो यानी रॉ मटेरियल से फूड खुद प्रिपेयर कर लेना, रॉ मटेरियल से
फूड खुद प्रिपेयर कर लेना, न्यूट्रिएंट्स को खुद प्रिपेयर करने का जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसी को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी खुद अपने आप सेल्फ रॉ मटेरियल से क्या प्रिपेयर किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जिनको हम बाद में ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आसान भाषा में कह सकते हो फूड प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेटरोट्रॉपिक, हेट्रो जो वर्ड है यहां पर, हेट्रो का मतलब हो जाता है अदर, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। यानी यहां पर ऑर्गेनिज्म के पास वो क्षमताएं नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके, अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद से प्रिपेयर कर सके, इसी को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहा जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे आप, हेटरोट्रॉप्स कहोगे, अभी हम डिटेल में देखेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फूड खुद से प्रिपेयर किया जा सकता है, रॉ मटेरियल से न्यूट्रिएंट खुद बनाए जा सकते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको भैया, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, रिमेंबर इट, याद रहेगा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अब डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है, दो तो बेसिक यही है। इनसे ही अगर फूड बना ले रहा है, और भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं मगर बेसिक ये हैं दो, ठीक है। पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया वाटर। अगर इनकी मदद से ही फूड प्रिपेयर खुद से कर पा रहा है, हालांकि एक और है, नाइट्रोजन भी होती है, प्रोटीन कहां से आएगा अदरवाइज। तो ये जो कुछ रॉ मटेरियल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर इनसे ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रिपेयर कर पा रहा है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहा जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ओके। चलिए अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, ये भी कई टाइप का होता है। पहला है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। आओ इनको भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है, फोटो वर्ड, यहां पर फोटो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है फोटो। फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी है ना। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, नैनम क्लेदियंति आपो न शोषयति मारुत है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फॉर्म। हालांकि उसको रीडिस्कवर किया हमारे अंकल आइंस्टाइन ने, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूज करके जब फूड प्रिपेयर किया जा रहा है उसको फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब लाइट एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो सोलर एनर्जी का यूज करके जब फूड को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, सिंपल शुगर C6H12O6, इसकी फॉर्म में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किससे, रॉ मटेरियल क्या है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये क्लोरोफिल की अगर प्रेजेंस में होता है तो इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी सोलर एनर्जी का यूज करना, सोलर एनर्जी को यूज करके, मैं वही बता रहा हूँ आस्तिक जी, न्यूट्रिशन के बारे में ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा स्किप करके पीछे से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं आपके सवाल लेता रहूँगा, आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा लेट आए, मैंने न्यूट्रिशन का स्टार्टिंग दे दिया है और पूरा ही न्यूट्रिशन टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक। तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में सोलर एनर्जी यूज की जा रही है, सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है। इसको मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ कर, यहाँ देखो सनलाइट, ये चंदा मामा है, ओ सूरज चाचा है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लांट ले लेते हैं। प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट सनलाइट रिसीव कर रहा है। इस प्लांट के पास क्या है, इस प्लांट के पास क्लोरोफिल है, ठीक है।
इसकी रूट की मदद से इसको जा रहा है वाटर, इसको जा रहा है वाटर, ठीक है, और एयर में है कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी लीव्स रिसीव कर रही हैं, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर रही हैं। तो इस लीफ के अंदर क्या हो रहा है, इस लीफ के अंदर भाई समझ में आ रहा है, लीफ के अंदर क्या हो रहा है, लीफ के अंदर रिएक्शन हो रही है, इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब जा रहे हैं तो इन दोनों का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के फलस्वरूप इस लीफ में क्या हो रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है, सिंपल शुगर बन रही है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा है वैज्ञानिकों ने, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है सोलर एनर्जी को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल बता सकते हो इसका, मेरे को एग्जाम्पल बता सकते हो फोटो ऑटोट्रॉप्स का, फोटो ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट, मैं वाइट से लिख रहा हूं मगर ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो सब के सब फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। वेरी गुड आस्तिक मिश्रा जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं जो प्लांट नहीं है तब भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कैन यू टेल मी अबाउट दैट, प्लांट नहीं है तब भी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है युगलीना, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो पाया जाता है इसके अंदर युगलीना के अंदर, और यही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यही क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। चलो मूव करें आगे, अभी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हमें अभी प्लांट में बहुत अच्छे से देखना है, इसकी अगर रिएक्शन बनेगी तो क्या बनेगी, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लीफ के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो सनलाइट आ रही है वही यहां पर, तो यहां पे मैं सनलाइट लिख देता हूं, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, और कहां पर हो रही है रिएक्शन, क्लोरोफिल के अंदर हो रही है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर हो रही है, तो हमें क्या मिलता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस और क्या मिलता है, हमें वाटर भी तो मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग की बात आ जाती है, तो बैलेंसिंग के आप केमिस्ट्री में पढ़ ही लोगे, मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 12 ऑक्सीजन हो गई 6, तो यहाँ पे मेरे को अगर 12H2O करना पड़ा, यस, तो यहाँ मेरे को 6H2O करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कितनी होगी 12 और 24 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गई 6, 6, 12 और 24 ऑक्सीजन, तो दिस इज हाउ दिस कैन बी बैलेंस्ड, यही फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन है, इसको हम डिटेल में एक बार और देखने वाले हैं, ठीक। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, अभी हमने बात करी थी फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, यहां पर ऑर्गेनिज्म, देखो कीमो वर्ड आ रहा है सबसे पहले, यहां देखो जो कीमो वर्ड आ रहा है ना, कीमो का मतलब है केमिकल, तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन का नाम देता हूं ऑक्सीडेशन, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन उस पर एक्ट कर रही है, उसको ऑक्सीडाइज कर रही है, तो उस ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके, अगर देखो वहां फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा था, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड बनाया जा रहा था, यहां पर सोलर एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, यहां पर केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी जो निकल रही है ऑक्सीडेशन के दौरान, जो एनर्जी निकली उसको केमिकल एनर्जी कहेंगे, उस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके अगर फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, तब इस तरह के न्यूट्रिशन को कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा, ठीक है, यहां पर ये चीज डिटेल में समझने की जरूरत है, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहा जाए, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ, वहां से केमिकल एनर्जी निकली और उसने फूड अपना प्रिपेयर कर लिया, इतना आसान है, ये कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कीमो ऑटोट्रॉप्स कहना पसंद करोगे। एग्जाम्पल, इसके तीन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत जरूरी है आपके लिए, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये तीन
ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कीमो ऑटोट्रॉपिज्म देखा गया है, कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन देखा गया है। ओके चलिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लिया, दूसरा टाइप था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहां पर समझ लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि भैया वो न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंडेंट करता है, तो इसका एक टाइप है, ठीक है, इसका एक टाइप है जिसके बारे में बात करूंगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में देखो यहां पर आपको मशरूम दिख रही है, यहां पर आपको मशरूम दिख रही है, ये मशरूम क्या करती है, मशरूम जो डेड और रॉटन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है वो। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही पाया जाएगा, सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है। तो वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, डेड और डिकेइंग है, रॉटन है, उसके ऊपर फीड ऑन करेंगे और उससे अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स एक्वायर कर रहे हैं, जो चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, अगर उसकी डेथ हो गई है, उसके कोई बॉडी पार्ट डेड हो गया है, तो उसके ऊपर फीड ऑन कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज करके खा रहे हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मैंने मशरूम दिया है। मशरूम इज फंजाई, जितनी भी फंजाई होती हैं उन सब के अंदर, जितनी भी फंजाई होती हैं उन सब के अंदर आपको, जितनी भी क्या है फंजाई हैं उन सब के अंदर आपको मशरूम्स, आपको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। जितनी भी फंजाई होती हैं उन सब में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, थोड़ा लेट आए हो ना गगन जी, टाइम से आना था 8 बजे, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो कोई एनिमल है चाहे वो प्लांट है, उसकी डेथ हो गई है, डेड हो गया है वो पार्ट, उसके ऊपर फीड ऑन करेंगे, अपने एंजाइम्स को उसके ऊपर बॉडी पे रिलीज करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, तब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, जहां पर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर ये देखो, मैंने आपको दिखाया अमरबेल, इसको कहते हैं कसकटा। कसकटा क्या होता है, कसकटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कसकटा क्या होता है, यहां पर कसकटा एक ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट पे, ये भी प्लांट है, ये दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। अमरबेल या कसकटा, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है और उसी से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करता है, ना तो ये प्रिपेयर कर रहा है ना ये कुक कर रहा है, ठीक है। ये फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा, तभी हेटरोट्रॉपिक में रखा गया है। मगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं और उससे डाइजेस्टेड फूड डिराइव कर रहे हैं, ले रहे हैं डाइजेस्टेड फूड जो उसने या तो बनाया है या उसने कहीं से लिया है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उस डाइजेस्टेड फूड को ले रहे हैं। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इस तरीके से समझो कि आप क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ाई करते हो अच्छे से, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, जो भी आपके साथ में जो दोस्त हैं आपके, उन्होंने आप पे ही डिपेंड कर रहे हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। आप तो मेहनत से सम सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स के और वो आपकी कॉपी लेके पूरा छाप देता है, तो वो पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया एक तरीके से, ठीक है, कि वो आप पर ही डिपेंड कर रहा है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। यहां पर फूड के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसकी बॉडी से ही फूड ले रहा है, उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है या उसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, मगर फूड डायरेक्टली उसी से ले रहा है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अमरबेल यानी कसकटा। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में भाई देखो, पहले इसको समझ लो, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जैसे फूड लेते हैं, हम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम खाना लिया, कॉम्प्लेक्स फूड की बात कर रहा हूं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, इस ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन यूज होता है ज्यादातर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लिया जाता है और फिर उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। तो जब बॉडी के अंदर फूड को लेकर उसका ब्रेकडाउन किया जा रहा है तब वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर सॉलिड फूड की बात होती है, मगर मैं आपको इसमें डिटेल में यहां पर एक चीज बता रहा हूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेकर तब डाइजेस्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसको ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, यहां पर हमें स्टेप्स देखने हैं। पहला स्टेप है इंजेशन, द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन इज टेकिंग इन फूड। यहां पे आपको अमीबा दिख रहा है, अमीबा किस तरीके से फूड ऑब्टेन करता है, ये अमीबा भाई साहब के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अगर इसको यहां पर ये फूड दिखा तो अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेगा, इसको कवर कर लेगा और फूड अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। तो इसने फूड को इंजेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये फूड का डाइजेशन करेगा। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में इसको ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में इसको ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन कहते हैं। तो बॉडी के अंदर पहले फूड को लिया, फिर उसका वहां बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना शुरू किया। थर्ड प्रोसेस क्या होगा, अब डाइजेशन हो गया, वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए बॉडी के अंदर, उनका ब्रेकडाउन हो गया, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गए, अब उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, तो उसको कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का जब यूटिलाइजेशन होता है उसको एसिमिलेशन कहा गया है। एसिमिलेशन क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमने खाना खाया, फूड खाया, चबाया, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया बॉडी के अंदर, जब वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद वो हर बॉडी की सेल्स तक ट्रांसफर हो गया, अपने केस में, ह्यूमन के केस में हर बॉडी की सेल तक ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसफर होने के बाद ईच एंड एवरी सेल विल यूटिलाइज इट। तो उसका यूटिलाइजेशन जो हो रहा है, जैसे अगर एनर्जी की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट का ही यूटिलाइजेशन ले लो, तो हमने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, सारी सेल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर सेल्स उसको एनर्जी के लिए यूज करेंगे, अपने फंक्शन के लिए जब यूज कर रही है, तो वो हुआ एसिमिलेशन। इसी तरीके से अगर प्रोटीन लिया गया है, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, तो प्रोटीन नई सेल्स बनाने के काम आ रहा है, नए टिश्यूज बनाने के काम आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। हेलो आरुषि, तो उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में है एसिमिलेशन होकर, लास्ट प्रोसेस क्या होता है, लास्ट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इजेशन इज टेकिंग आउट फूड, टेकिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं, टेकिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड, टेकिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। देखो फूड पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ फूड का पार्ट रिमेनिंग होता है, अनडाइजेस्टेड होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो टेकिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड, इसको कहते हैं इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हुआ, जहां पर न्यूट्रिशन के लिए जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, उसको बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट कर एब्जॉर्ब कर एसिमिलेट कर उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जहां पर कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर लेकर लिया जाता है और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, प्रोक्योर किए जाते हैं। तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा इसका सबसे अच्छा यूनिसेल्यूलर में एग्जांपल है, हालांकि ह्यूमन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले फूड को अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, चबाते हैं, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होगा, फिर हमारी सारी सेल्स तक वो पहुंच जाएगा, हमारी सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगे और अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे अंदर और अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। हायर एनिमल्स में अमीबा और अमीबा में हमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब होलोजोइक एनिमल्स की बात कर लेते हैं, किसके कौन कौन से एनिमल्स वो होते हैं जो होलोजोइक एनिमल्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, ये तीन तरह के होलोजोइक एनिमल्स हैं। फूड हैबिट के आधार पे होलोजोइक एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर्बीवोर क्या होते हैं,
जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड है फूड के लिए, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहा जाता है। क्या हो गया एग्जांपल, काउ हो गई, गोट हो गई, हॉर्स हो गया, बफलो हो गई, ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए हर्बीवोर्स के, विच फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली। दूसरा कार्निवोर्स, कार्निवोर्स विच ईट ऑन द फ्लैश ऑफ एनिमल, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल की फ्लैश, यानी उनको मार कर खाते हैं उनका फ्लैश, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे टाइगर, लायन, ये कार्निवोर्स हो गए, ये दूसरे एनिमल को किल करेगा तब खाएगा। हाँ, शीप भी एक एग्जांपल हो सकता है अरुषि, हर्बीवोर के केस में, ठीक है। कार्निवोर टाइगर और लायन हो गए, ये दूसरे एनिमल के फ्लैश को मारकर, दूसरे एनिमल को मारकर उसकी फ्लैश को खाते हैं, ये कार्निवोर हो गए। मगर होलोजोइक है, फूड को अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स ये भैया बहुत बढ़िया वाले हैं, दे कैन ईट प्लांट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल, बोथ फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी खा सकते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल, दोनों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल ह्यूमन का ही ले लो, हालांकि एक और है एंट, दूसरा है मंकी, बंदर, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ह्यूमन, एंट एंड मंकी, ये अच्छे ओमनिवोर्स के एग्जांपल है। क्रो का एग्जांपल ले सकते हो, कौवा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओमनिवोर्स। तो होलोजोइक एनिमल्स हैबिटेट के आधार, हैबिट के आधार, फूड हैबिट के आधार पे तीन टाइप के होते हैं, फूड हैबिट के आधार पे तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। तो यहां पर देखो हमने बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन यहां कंप्लीट कर लिया है, यहां पे अब हम शुरू कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज ही न्यूट्रिशन, मैंने वादा किया था कि आज ही खत्म कर दूंगा, तो न्यूट्रिशन एक शॉट में आज ही खत्म होगा, ठीक है, मेरे साथ बने रहना। तो भाई यहां पर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहां होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है हम समझ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, फोटोसिंथेसिस लीफ की मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। मेसोफिल सेल्स होती है, उनके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन व्हाट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है भैया क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ओके। तो अब हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस में, एक्चुअल में हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस में, भैया ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के थ्रू, लीफ में एंटर कर जाती है, लीफ में होते हैं स्टोमाटा, दो बना दे रहा हूं, चलो तीन बना दे रहा हूं, और कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरमेंट में, तो ये स्टोमाटा के थ्रू एंटर कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लीफ के अंदर चली गई, और रूट्स के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, वो भी लीफ के अंदर है। तो यहां पे मेसोफिल सेल में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो सन क्या करेगा भाई, सन क्या करेगा, सन इसको सनलाइट दे रहा है। अब सनलाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर कौन है, क्लोरोफिल बाबा, क्लोरोफिल बाबा प्रेजेंट है, ये देखो ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, ये क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दिख रहा है ना आपको क्लोरोफिल, यस। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है भाई इसके अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल इस सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, ये सारी की सारी सनलाइट जो सन से आ रही है वो क्लोरोफिल ही ट्रैप कर लेता है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जहां पर एनवायरमेंट से गई कार्बन डाइऑक्साइड, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ वाटर, इन सब का होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्यों कह रहे हो सर बार बार, रिडक्शन की, रिडक्शन देखो केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे रिडक्शन, रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए किसी कंपाउंड पे या सब्सटेंस पे और या ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाए, तब उसको कहा जाता है कि उसका भैया क्या हो गया है, उसका रिडक्शन हो गया है, रिड्यूस हो गई है। तो यहां जरा कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से देखो, मेरे कहने से एक बार यहां पर ध्यान से देखो, इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, यहां पर इससे ऑक्सीजन निकल गई है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो ऑक्सीजन भी इस पे रिमूव हुई, ठीक है। और हाइड्रोजन या इस तरीके से समझ लो, दोनों तरीके से समझ सकते हो। वाटर को देखो, वाटर जो था यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन थी, और ये हाइड्रोजन अब यहां से अलग हो, इस पे से हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकलती है, टेक्निकली हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन निकलती है, वाटर में से ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका रिडक्शन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड पर हाइड्रोजन ऐड कर गई तो इसका भी रिडक्शन हो गया। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों हमें देखने को मिल रहा है, और दोनों सब्सटेंसेस में देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि भैया यहां पर रिडक्शन हो गया है, ठीक है, यहां पर रिडक्शन हुआ है वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों का रिडक्शन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये सब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, सनलाइट इसको स्टिमुलेट करती है, यही रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। आई बिलीव फोटोसिंथेसिस तुम्हें अब डिटेल में समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है जो क्लोरोफिल करता है, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम अभी देखने वाले हैं कैसे होगा। वाटर स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, ठीक है, यहां से एसिमिलेटरी पावर जनरेट होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनती है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, शुगर कहते हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वाटर को स्प्लिट करने से, वो एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज कर लिया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं, एक पिक्चर दिखाऊंगा, ये देखो आपके सामने है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान दो इवेंट होते हैं, एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज। अब बताता हूं क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये इनको बोलते हैं ग्रेना, दीज आर कॉल्ड ग्रेना। ये क्या है, ये ग्रेना है भाई, ठीक है। तो इन ग्रेना के अंदर हो क्या रहा है, ग्रेना के अंदर एक्चुअली सनलाइट ट्रैप होती है, ये जो सनलाइट सन से आ रही है वो इनके अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, यहां ट्रैप हो जाएगी, ठीक। अब वाटर आ रहा है, ये जो वाटर आ रहा है प्लांट की रूट के थ्रू, ग्रेना में सनलाइट ट्रैप होने की वजह से ये वो सनलाइट इस वाटर का ब्रेक डाउन कर देगी, इसका रिडक्शन कर देगी, तो इसका अब क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होते ही क्या होगा कि ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में बाहर आ जाती है, यह है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या है ये, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई यहां पर। अब इसके दौरान यहां पर एसिमिलेटरी पावर्स बनती है, ठीक है, NADPH, निकोटिनामाइड, रिड्यूस निकोटिनामाइड, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, और यहां पर ATP बन जाएगा, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे वो ADP से असेंबल होकर ATP बनाएंगे। यहां पर क्या होता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन NADPH और ATP नाम की एसिमिलेटरी पावर को बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। ये दोनों ATP और NADPH, रिड्यूस निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये और ATP दोनों एसिमिलेटरी पावर होती है जो डार्क फेज में काम आती है। अब इसको डार्क फेज क्यों कह रहे हैं, मैं बताता हूं। सनलाइट का यूज सिर्फ वाटर के ब्रेकडाउन करने में होता है, जो ग्रेना के अंदर हो रही होती है, ये रिएक्शन ग्रेना के अंदर हो रही है, तो वाटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, वाटर का जो रिडक्शन हो रहा है भाई, उसी को लाइट फेज कहा जाता है, जिसके दौरान एसिमिलेटरी पावर जनरेट हो रही है, ये एसिमिलेटरी पावर जनरेट हो रही है, दीज आर द एसिमिलेटरी पावर्स। तो ये जो एसिमिलेटरी पावर जनरेट हुई है अब डार्क फेज में काम आएगी, यहां पर सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आ रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ये इसके स्ट्रोमा के अंदर आएगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, वहां पर जो एसिमिलेटरी पावर थी, NADPH और ATP दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है,
और ये शुगर में C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको डार्क फेज कहा जाता है। फिर से NADP और ADP रिलीज हो जाते हैं और वो दोबारा से एसिमिलेटरी पावर बनते हैं और फिर से ये केल्विन साइकिल डार्क फेज चलता रहता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एक छोटी सी सिंपल रिएक्शन हो रही है जो मैंने तुम्हें यहां पर डिटेल में बता दी है। ओके, ये मुझे लग रहा है तुम्हें क्लियर हो गया होगा एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। एक्चुअल में लाइट फेज और डार्क फेज, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रही है। यहां पे पहले वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और फिर एसिमिलेटरी पावर जो जनरेट हो रही है, जो केमिकल पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको यूज किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। यहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिडक्शन होता है और वो शुगर यानी C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक पे, हम आ गए हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ठीक है, जितना अभी मैंने करा एक बार उसको देख लो कितना तुम्हें समझ में आ गया है। मैं तुम्हारी क्वेरी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। एक खुशखबरी और है तुम्हारे लिए, जिन जो लोग अब वीडियो देख रहे हैं, मेरे को अभी याद आया वरना शुरू में ही भाग जाते तुम लोग। ठीक, यहां डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा नोट्स डाउनलोड करने का। ये जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं इसकी PPT आपको नोट्स मिल जाएगी मेरी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। अच्छे से Term 1 की तैयारी कर लेना। ठीक है, तो ये नोट्स आपको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। सॉल्ट इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी कोशिश। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन, जो भी हमने फूड खाया है, जो भी खाना खाया है, जो भी हमने फूड खाया है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं भाई। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिंस यू आर प्रेजेंट हियर, दो बच्चे प्रेजेंट हैं यहां पर, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर गैलेक्सी? मुझे भी पता चला है हमारी गैलेक्सी का नाम कुछ और है, तो इफ यू नो द नेम प्लीज टेल मी। ओके, तो फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? छुपे हुए हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लगाया। ठीक है, इस फूड के अंदर कार्ब्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, इस फूड के अंदर फैट्स भी होते हैं, अरे बाबा, इस फूड के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, इस फूड के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, इस फूड के अंदर मिनरल्स भी होते हैं। मगर हम तो एक कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, हमें तो ये चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए। इस रॉ मटेरियल को फूड से निकालने का जो प्रोसेस है, यानी फूड का ब्रेकडाउन करके ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, इनको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे हमारी बॉडी उनको फर्दर यूटिलाइज कर सके, वो पूरा प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मेनली इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। फूड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी आप खाना खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल है जिसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उस प्रोसेस को ही स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कहा जाता है। आरुषि को कोई आइडिया नहीं, मैं बता देता हूं। एक पेरेंट ने अपने बच्चे को पढ़ाते हुए उससे पूछा कि क्वेश्चन मैडम ने भेजा था पीपीटी पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर गैलेक्सी, तो बच्चे ने उसका आंसर दिया सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा सैमसंग गैलेक्सी। बच्चे से जैसे ही पापा ने पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो बच्चे ने एकदम से जवाब दिया सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। तो डाइजेशन कहां पे शुरू होता है? ह्यूमन का डाइजेशन उनके माउथ में शुरू होता है। हमारे हम खाना खाया अभी और माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन माउथ में शुरू हो रहा है, देख लेते हैं भैया किस तरीके से होता है। ये हमने यहां खाना खाया, ये जो कैविटी है जहां पे हमारे दांत हैं, जहां पे हमारी टंग है, यानी जो होलो एरिया है ये वाला, इस होलो एरिया को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होता है, यानी माउथ के अंदर जो भी डाइजेशन हो रहा है बक्कल कैविटी के अंदर हो रहा है। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है भाई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी एक ही चीज है।
ओरल कैविटी हो है, बक्कल कैविटी है, एक ही चीज है, इनके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है इसको इसलिए समटाइम्स बक्कल डाइजेशन भी कहा जाता है। डॉक्टर बनोगे या आगे बायोलॉजी पढ़ोगे तो तुमको ध्यान रहेगा कि भैया सर ने क्या बताया था, ठीक है। इसको बक्कल डाइजेशन कहा जाता है। बक्कल डाइजेशन में हो क्या रहा है, सबसे पहले हम फूड को, वी टेक इन फूड, इंजेशन कर रहे हैं, इंजेस्टेड फूड हो गया, इंजेशन हुआ। हमारे पास दांत है, हमने दांतों से फूड को चबाया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हमने दांतों से फूड को चबा लिया, खाया। कितने दांत आते हैं हमारे, दो परमानेंट, दो सेट ऑफ टीथ आते हैं हमारे, एक मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ 20 होते हैं, परमानेंट टीथ 32 होते हैं, ठीक। तो हमने दांतों से चबाया उसको, चबाते टाइम क्या हुआ, खाना देखते ही या खाना मुंह में जाते ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वो जो पानी है उस पानी का नाम है सलाइवा, है ना। मुंह में पानी आ गया यानी मुंह में सलाइवा आ गया। ये सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है, ये एक डाइजेस्टिव जूस है भैया, ये डाइजेस्टिव जूस है। इसके अंदर से निकल, इस डाइजेस्टिव जूस में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज, और सलाइवा से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवा आ कहां से रहा है, हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। थ्री पेयर्स होती हैं, छह होती हैं टोटल, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे ये सलाइवा निकलता है। वाटर इन योर माउथ इज ड्यू टू दिस सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से आपके मुंह में पानी आता है खाने को देखते ही, जी ललचाता है और खाना खाने का मन करता है। ये एक डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब एंजाइम क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अमाइलेज क्या होता है, आरुषि का सवाल है। देखो भैया, अमाइलेज हमें ये समझना है, एंजाइम क्या होता है। अमाइलेज तो उसका नाम है, ठीक है, अमाइलेज तो उसका नाम है एंजाइम का, हमें समझना है एंजाइम क्या होता है। एंजाइम हमने समझ लिया, हम समझ जाएंगे अमाइलेज क्या है। तो एंजाइम की कहानी कुछ इस तरीके से है, एंजाइम्स, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। सर क्या कह रहे हो, हाँ भैया ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन है यानी हमारे, वो प्रोटीन नहीं जो तुम खा रहे हो, वो प्रोटीन है जो तुम्हारी बॉडी बना रही है। तो ये एक बायोकेमिकल है, ये एक बायोमोलिक्यूल है। एंजाइम क्या हुआ, एक बायोमोलिक्यूल हुआ, बायोमोलिक्यूल, एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल हुआ। एंजाइम प्रोटीन से बना होता है, ये एक बायोमोलिक्यूल है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट, यस बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल सही जा रही है। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं या एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शन को अगर लैब में हम कराने लगे, इतना आसान नहीं, आसान ही नहीं है हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस को कराना, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो उनको कराने के लिए एक प्रोटीन है जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, वो आते हैं उस रिएक्शन को स्टार्ट कराते हैं और अपने आप उस रिएक्शन से बाद में रिएक्शन कंप्लीट होने के अलग हो जाते हैं और जू के तू रहते हैं। जू के तू का मतलब है उस रिएक्शन में वो चेंज नहीं होते, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन दीज सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टिमुलेट कराएंगे, इनिशिएट कराएंगे, उसकी रेट, उसकी स्पीड को चेंज कर देंगे और वो रिएक्शन हो जाएगी और अपने आप इस रिएक्शन में खुद चेंज नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है बायोकैटलिस्ट या एंजाइम। तो ये क्या है, ये बायोकैटलिस्ट है, दिस इज बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को चेंज कर देते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एक सब्सटेंस, एक एंजाइम है जो माउथ के अंदर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। तो हमने खाना चबाया, खाना को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट पीसीज में हमने डिवाइड किया, फिर वो फूड हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो गया और सलाइवा में था सलाइवरी अमाइलेज जिसने फूड के अंदर जो स्टार्च आ रहा था। सपोज करो आपने चावल खाए, राइस, राइस के अंदर भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है, ये स्टार्च एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल नहीं है, तो इसको सिंपल करना पड़ेगा, तो सिंपल करेगा ये,
सलाइवरी या माइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, इसको माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहां से अब ये माल्टोज फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, माल्टोज भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, माल्टोज अब आगे जाएगा, जहां जहां फूट जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कुछ इस तरह से ही है इसका, है ना। माल्टोज जहां जहां फूड अब मूव करेगा वहां वहां ये माल्टोज फूड के साथ मूव कर रहा है, ठीक। अब यहां पर जो माउथ में हमारा मीडियम होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है। एल्कली आपने सुना होगा, एल्कली क्या होता है, तो मैं बच्चों यहां पर एल्कली बता देता हूं। वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको एल्कली कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर सारा काम ही पानी से चल रहा है, तो हमारे माउथ के अंदर का मीडियम या तो एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, या वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक, एट टाइम्स। अब इसके बाद क्या हो रहा है, माउथ के अंदर डाइजेशन हो गया, फूड अब यहां ऐसा तो नहीं 24 घंटे माउथ के अंदर ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा, यहां से आगे भी तो बढ़ेगा अब, यस, अब इसमें आगे बढ़ने का देखना है। तो मेस्टिकेटेड जो फूड है इट विल बी रोल्ड आउट, आप उसको सोलो करोगे, तो वो जो फूड मेस्टिकेशन हो गया यानी अच्छे से चबा लिया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, उस फूड को मेस्टिकेटेड फूड कहोगे, तो एक फूड की बॉल बन जाएगी, जिस तरीके से आपको बॉल दिख रही है यहां पर, तो इसको कहते हैं बोलस, ठीक है, ये बोलस। अब ये देखो माउथ से टंग की हेल्प से इट विल बी पास्ड इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज जहां पर फूड और एयर दोनों आते हैं, और फेरिंग से वो आ जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस यहां पे आपको दिख रहा है, यहां आप अच्छे से देख पा रहे होंगे ईसोफेगस के अंदर क्या हो रहा है, फूड मूव कर रहा है, और ये जो मूवमेंट है फूड की इसको कहते हैं पेरिस्टेलिसिस, इसको कहते हैं पेरिस्टेलिसिस। तो ये जो पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट है ये हमको ईसोफेगस से शुरू हो जाती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू आउट रहती है। ये मूवमेंट किस तरीके की है, आपने जैसे टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट को आपने दबाया तो वो पेस्ट बाहर निकलता है ना, ठीक उसी तरह की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट आपको यहां दिख रही है, इसी को पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट कहा जाता है। यहां पेरिस्टेलिसिस हो गया, ठीक है। तो फूड अब यहां से ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों में के कंफ्यूजन है कि भैया सलाइवा तो रहता ही है, तो सलाइवा तो उसको डाइजेस्ट करते हुए चलेगा, यहाँ फूड रुक कितनी देर के लिए रहा है। तो सलाइवा जितना अपना काम कर चुका था, ठीक है, यहाँ कर रहा होगा, मगर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी किसी तरह का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, फूड जब यहां से मूव कर रहा है, तो यहां पर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये एक फ्लैप है ना, ये फ्लैप बंद हो जाता है। देखो क्यों होता है, फूड को जाना है फूड पाइप में, ईसोफेगस में, इसको ईसोफेगस में जाना है, और ये है विंड पाइप, यहां पर ये है विंड पाइप, तो फूड कहीं गलती से विंड पाइप में एंटर नहीं हो जाए। तो यहां पर विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप दिया गया है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जब फूड मूव करता है फेरिंग से नीचे की तरफ, ये विंड पाइप को बंद कर देता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है, ट्रैकिया में फूड एंटर नहीं होता और हमारी डेथ होने से बच जाती है, वी अदरवाइज विल बी चोक टू दी डेथ, हमें सांस आना बंद हो जाएगा, विंड पाइप में खाना अटक जाएगा, विंड पाइप खाना के लिए नहीं है और डेथ हो जाएगी। तो यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है, इज दिस क्लियर। चलिए अब डाइजेशन स्टमक के अंदर कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। फूड गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो जाएगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या रहा, फूड ईसोफेगस से आया, फूड की यहां पर चर्निंग होगी, यहां देखो फूड की मसल्स, स्टमक की मसल्स कैसे कर रही हैं, उसको फूड के साथ घुचड़ मुचड़ कर रही है ना, कचुंबर निकाल रही है उसका, बिल्कुल पीस देगी उसको। तो इस फूड की जो पीसिंग हो रही है उसको कहते हैं चर्निंग। ये चर्निंग एक्शन फूड को बहुत महीन और पतला कर देता है, एक पेस्ट जैसा बना देता है, और ये पॉसिबल है मसल्स के एक्शन के द्वारा। तो ये जो आपको एक्शन दिख रहा है अभी मेरे सर के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, फूड की चर्निंग हो रही है, चर्निंग से वो बिल्कुल बारीक पीसा जा रहा है, और यहां पे फिर अब गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होंगे। गैस्ट्रिक जहां पर वर्ड आ जाए यहां समझ लेना स्टोमक से लेना देना है, इसका पवित्र रिश्ता स्टमक के साथ है, ठीक है। गैस्ट्रिक का पवित्र रिश्ता स्टमक के साथ होता है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूसेस यानी स्टमक से अब कुछ जूसेस सिक्रीट होंगे, कौन से जूसेस सिक्रीट होंगे। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चीजें होती हैं,
HCl होता है, म्यूकस होता है और दो एंजाइम होते हैं, हालांकि तीन होते हैं मगर मेन दो एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। अब जो मैं बता रहा हूं यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने बताया है, पहले ही बता दे रहा हूं। यस साहिल उमराव सही बोल रहे हो आप, यूट्यूब पर जो मैं अब बता रहा हूं आपको ये बहुत कम लोगों ने क्लास टेंथ में बताया हुआ है, ठीक है, और स्कूल में भी नहीं बताते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना और पसंद आ जाए ना भाई तो लाइक ठोक देना एक, ठीक। तो गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चीजें होती हैं, HCl होते हैं, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम मेन दो एंजाइम होते हैं, हालांकि एक और एंजाइम होता है, मैं अभी बताने वाला हूं कौन सा एंजाइम होता है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज। थोड़ी सी अमाउंट में गैस्ट्रिक लिपेज या लाइपेज करके एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, बट बहुत ही छोटी मात्रा में होता है, ये मतलब ना फंक्शन कर ही नहीं पाता बेचारा। अब हो क्या रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर तीन चीजें, एंजाइम्स, म्यूकस और HCl। तो एंजाइम सबसे पहले रेनिन की बात कर ले, रेनिन क्या करेगा, आप दूध पीते हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा भी दूध पीता है, वो जो दूध पिया जा रहा है उस दूध को एंजाइम्स ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उस दूध को एंजाइम ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस दूध को उस स्टेज में आना पड़ेगा कि भैया उस पे एंजाइम फंक्शन कर सके। अब वो फंक्शन कैसे होगा कि जब ये दूध का दही हो जाए, है ना, तो हमारा हम जो भी दूध पी रहे हैं उसका दही हो जाता है, और उसको दूध का दही हमारे पेट के अंदर होता है, इसको रेनिन कहते हैं। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा, जो छोटे बच्चे दूध मुंह में बच्चे होते हैं सिर्फ दूध पीते हैं, छोटे बच्चे ना दांत भी नहीं आते उनके, बिल्कुल कूचू पूचू से, तो वो जो कूचू पूचू से बच्चे होते हैं उन कूचू पूचू बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है तो थापी दी जाती है ऐसे गोद में लेके ऐसे, और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा दूध बाहर निकालते हैं, वो दूध देखना जमा हुआ होता है, वो दही बन गया होता है, वो दही बाहर निकल रही है, ठीक है, और वो उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब वो बच्चा तो दूध पीता रहता है पीता, उसको पता नहीं कि उसके पेट में कितनी भूख है, ये सेंसेशन बाद में आना शुरू होता है, मेरा पेट भर गया, ठीक है, बच्चा दूध पीता रहेगा तो वो दूध पीता रहेगा कुछ दूध का दही बाहर निकल जाएगा, तो दही बन रहा है स्टमक में जाते ही, दही बन रहा है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस पर एक्शन कर रहे हैं। यस साहिल उमराव बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया आपने, ओनली 1% डाइजेस्ट फैट इन गैस्ट्रिक लाइपेज, वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट जनता आ गई है। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होगा, तो एसिडिक मीडियम कौन बनाएगा, अब याद आ रह गया पेप्सिन, एसिडिक मीडियम बनाएगा HCl। अब HCl के दो काम है, खाना देखो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से जा रहा है तो उस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में बहुत सारे जम्स अभी भी घूम रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया होंगे, इट विल किल द बैक्टीरिया, साथ ही साथ मीडियम को एसिडिक कर देगा जिससे ये पेप्सिन एंजाइम अपना फंक्शन कर सके, क्योंकि इसको भैया खटास चाहिए, ये मानता है, ये गुलशन ग्रोवर का फैन है और गुलशन ग्रोवर जी कहते थे कि जिंदगी का मजा खट्टे में है, तो पेप्सिन का भी ये कहना है कि जिंदगी का मजा खट्टे में, पहले खट्टा लाके दो। तुमने अक्सर लोगों को गोलगप्पे खाते हुए देखा होगा कि भैया खट्टा दो खट्टा दो, कुछ बहने भी होती है भैया तीखा और तीखा तीखा और भैया कुछ नहीं दिया अभी भी दे दो, है ना, सब जगह से पानी निकल रहा है फिर भी तीखा तीखा खा रही होती है, तो ऐसे ही पेप्सिन भी कह रहा होता है कि भैया जिंदगी का मजा खट्टे में है, तो जिंदगी का मजा जब खट्टे में है ना तो ये खटास इसके जीवन में भरने का काम करता है HCl, कि तुझे खट्टा चाहिए तुझे मैं खट्टा दूंगा, तेरे दांत खट्टे कर दूंगा, तो HCl मीडियम को एसिडिक बना देता है, एसिड्स खट्टे होते हैं सौर होते हैं, ठीक है। अब ये पेप्सिन एक्टिवेट हो गया, जैसे इसको खट्टा मिला इसकी आंखें खुल गई और ये एक्टिवेट, और ये फिर प्रोटीन जो भी हमने फूड में प्रोटीन अवेलेबल है हमारे उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, ये इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, पेप्टोन सोल्यूबल प्रोडक्ट नहीं है, पेप्सून हाँ यस वेरी गुड साहिल वेरी गुड, ठीक है, तो पेप्टोन्स इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, पेप्टोन फाइनल प्रोडक्ट नहीं है प्रोटीन का, अभी बाद में और अभी डाइजेस्ट होगा, पर यहां पे डाइजेशन देखो धीरे धीरे लेयर्स में शुरू हो रहा है, धीरे 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 स्लो प्रोसेस है भाई, प्रोटीन्स का पेप्टोन में कन्वर्जन करेगा, थोड़ा सा ही प्रोटीन का पेप्टोन में कन्वर्जन होता है क्योंकि बाद में फूड यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चल देता है। अब ये जो HCl भैया है स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, स्टमक बेचारा ये बैग इसकी जो लाइनिंग्स हैं उन पे खतरा है, तो ये सबसे पहले इस जूस में म्यूकस
म्यूकस सिक्रीट होता है भाई, ये म्यूकस इसकी लाइनिंग्स को कवर कर लेता है, एक प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देता है कि एससीएल तो फंक्शन करेगा। तो भैया एससीएल बाबा तुम फंक्शन करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हम स्टमक को नुकसान नहीं होने देंगे। तो म्यूकस की लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम, म्यूकस की लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम, सॉरी स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम म्यूकस करता है, एचसीएल के एक्शन से बचाता है। एक्शन एचसीएल भले ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये खतरनाक नहीं है। एचसीएल खतरनाक हो गए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, बच्चे समझते नहीं है। एचसीएल ऐसे नहीं है कि तुम गट गट करके पी जाओगे फ्रूटी की तरह, है ना, बैंड बजा देगा ये। तो HCl इज हार्मफुल, सो म्यूकस प्रोटेक्ट, बट इट इज नेसेसरी, HCl इज नेसेसरी ऑल्सो। तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, जैसा हमें यहां पर साहिल जी ने भी बताया कि 1% फैट को डाइजेस्ट करता है, एंड आई वुड लाइक टू गिव द राउंड ऑफ अपलॉज फॉर साहिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है साहिल, ठीक। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है, पार्शली ब्रेक डाउन कर रहा है लिपिड्स का, लिपिड्स आर द फैट्स ओनली, ठीक है, अ काइंड ऑफ फैट जो हमारे फूड के साथ हमारे जा रहे हैं। आप जैसे प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, जब आप प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, म्यूकस अगर सिक्रीट नहीं होगा साहिल तो स्टमक पूरा जल सकता है, बर्न हो जाएगा, इट विल बर्न, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन देगा ना, तो इट विल गेट बर्न हो जाएगा। HCl उसको किल कर सकता है, लाइनिंग्स को डैमेज कर देगा, स्टमक डैमेज हो जाएगा। और होता भी है, जब हमको एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो स्टमक और हमारा जो फूड ट्यूब है उसमें जलन महसूस होती है ना, वो एसिड की वजह से हो रही है, क्योंकि म्यूकस के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो लिपिड्स, जब हम प्लांट प्रोडक्ट खा रहे होते हैं तो कुछ लिपिड्स भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, उस फूड को पार्शियली यहां पर ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। फूड की जो चर्निंग हुई, जो फूड को मथ दिया ऐसे स्टमक ने अच्छे से, वो एक क्रीमी फ्लूड बन गया, यहां पर पेस्ट बन गया, जिसको हम कहते हैं काइम। अब ये काइम स्टमक से आगे की तरफ प्रस्थान करेगा और डाइजेशन आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला तो है लीवर, ये दिख रही होगी आपको, और दूसरे हैं पेनक्रियाज। भैया दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का बहुत ज्यादा रोल है शुरुआत में ही, जैसे ही स्टमक से फूड जाएगा वैसे ही पेनक्रियाज और लीवर का रोल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम कौन सा पार्ट होता है, जो इनिशियल पार्ट होता है, स्टमक से जैसे ही फूड निकला तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जिस पार्ट में जाता है उसी को ड्यूडेनम कहते हैं, ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम में अब डाइजेशन शुरू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में डाइजेशन शुरू होगा। तो ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, काइम ड्यूडेनम में सबसे पहले एंटर कर गया, फूड एंटर कर गया। अब लीवर से क्या आ रहा है, लीवर से बाइल आ रहा है, ये बाइल बनाता है, बाइल का सिंथेसिस करता है बाइल। अब बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं सीबीएसई के कई बार करेक्शन करने गया, आंसर शीट्स मैंने करेक्शन करी, बच्चे कहते हैं बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द गॉल ब्लैडर, गलत जवाब है, ठीक है। बाइल के अंदर टेम्पररी रूप से गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्पररी रूप से बाइल स्टोर होता है, जबकि बाइल को मैन्युफैक्चर करने का काम लीवर करता है। बच्चों में ये बहुत बड़ी समस्या है जो इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। एक चीज और, बच्चे कहते हैं फैट का डाइजेशन बाइल करता है, नहीं, फैट का डाइजेशन तो एंजाइम्स करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं, एक हमने पढ़ ही लिया है लिपेज, मगर फैट का डाइजेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि फैट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम बाइल करता है। यस, लीवर ही बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड साहिब। तो बाइल प्रोड्यूस हो गया, पेनक्रियास से क्या आएगा भैया, पेनक्रियाटिक जूस आएगा। तो बाइल क्या कर रहा है, सबसे पहले बाइल की बात कर लेते हैं,
ये बाइल भाई साहब क्या कर रहे हैं, बाइल विल मेक द मीडियम एसिडिक एल्कलाइन, मीडियम को एल्कलाइन बना देगा, बेसिक बना देगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे वो तभी एक्शन कर पाएंगे, कुछ एंजाइम्स हैं जब मीडियम एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन मीडियम चाहिए उनको एक्शन करने के लिए। फूड वहां से होके आ रहा है एसिडिक, क्योंकि उसमें एसिड मिल गया है, तो यहां पर बाइल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसमें बाइल सॉल्ट्स होंगे, सोडियम ग्लूकोकोलेट जैसे, ठीक है, तो वो बाइल सॉल्ट्स उस मीडियम को एल्कलाइन बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। और फिर पेनक्रियाटिक जूस की बारी, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, अब पेनक्री ये और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट अपनी सिक्रीशंस कहां दे रही है, ड्यूडेनम के अंदर दे रही है, ठीक इसी प्रकार से गॉल ब्लैडर से जो बाइल आ रहा है वो भी ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है, यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक। तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट अपनी सिक्रीशंस को ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करती हैं और तभी अपना फंक्शन शुरू करेगा। अब पेनक्रियास की बात कर रहे थे, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, इनको याद करने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ये लिख लेना, ताली, टी स्टैंड फॉर ट्रिप्सिन, ए स्टैंड फॉर अमाइलेज, ली स्टैंड फॉर लाइपेज, तीन एंजाइम सिक्रीट होते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस की मदद से, पेनक्रियाटिक जूसेस की मदद से। लेट मी वेस्ट माय टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, वेले बैठे हम, है ना बेटा, हम कई सालों से वेले ही बैठे हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ताली, ठीक। तो ताली ये एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, तुमको दे रहा हूं याद रखना, ताली, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस, ताली, व्हाट इट। अरे तुम तो देख रहे हो ममता मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही काफी हो हमारे लिए, तो हमारे लिए तो एक ही बच्चा काफी है बेटा। ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ताली, ताली याद रखना बस। पेनक्रियाटिक जूस से कौन से एंजाइम आ रहे हैं, ताली, ठीक है, तो ताली से हमें याद रखना है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। क्या क्या ब्रेकडाउन करेगा ट्रिप्सिन, क्या ब्रेकडाउन करेगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये किस पे एक्ट करेगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। ट्रिप्सिन विल एक्ट ऑन प्रोटीन, तो प्रोटीन को ये पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, और कुछ पेप्टोन स्टमक से आ रही थी तो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक। यहां पे इतना ही होगा, जो रिमेनिंग प्रोटीन थी जिनका स्टमक में डाइजेशन नहीं हुआ था, जो रिमेनिंग प्रोटीन थी उसका स्टमक में डाइजेशन नहीं हुआ था वो यहां पर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो पेप्टोन्स प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो स्टमक में प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो गई थी उसको यहां पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, इतना ही हो रहा है ड्यूडेनम के अंदर, इतना ही हो रहा है। अमाइलेज, अमाइलेज देखो, स्टार्च, स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता माउथ के अंदर, रुकता ही कितनी देर है खाना, आजकल तो हम 32 बार चबाते भी नहीं। यस आई थिंक स्ट्रीमिंग का कोई इशू हो गया था, तो 32 बार तो हम फूड भी नहीं चबा रहे हैं बच्चों, 32 बार फूड नहीं चबाएंगे तो स्टार्च तो पूरा माउथ में डाइजेस्ट होने से रहा, वैसे भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वैसे भी जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है यानी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो स्टार्च का जो रिमेनिंग स्टार्च है उसको अमाइलेज यहां पर माल्टोज में ब्रेक करेगा, यहां माल्टोज में ब्रेक कर रहा है सिर्फ। लाइपेज कहां काम करेगा, लाइपेज भैया जो फैट्स आ रहे हैं, तो अब यहां पर हमें बाइल का रोल समझना है लाइपेज के लिए, जो भी फैट्स हमारे फूड में आया उस वो फैट बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उसका होगा इमल्सिफिकेशन, उसका क्या होगा इमल्सिफिकेशन होगा, इमल्सिफिकेशन कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट का छोटी 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 ड्रॉपलेट में कन्वर्जन, उनको ब्रेक कर देना, छुटकू छुटकू सी
बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट का छुटकू छुटकू सी ड्रॉप्स में ब्रेक कर देने के जो प्रोसेस होते हैं उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर जो फैट आया वो इमल्सिफाइड फैट है। इस इमल्सिफाइड फैट का क्या होगा, ये इमल्सिफाइड फैट पर लाइपेज ब्रेक एक्ट करेगा और उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि पूरा कंप्लीट फैट का डाइजेशन यहां भी नहीं होगा, ड्यूडेनम में बस इतना ही होगा। ताली यहां पर एक्ट करेगी, ताली ट्रिप्सिन अमाइलेज लाइपेज और फूड ड्यूडेनम से होता हुआ जेजुनम में और जेजुनम से इलियम में पहुंच जाएगा जहां पर फाइनल डाइजेशन होता है। तो अब फाइनल डाइजेशन की तरफ चलते हैं। इलियम में जब डाइजेशन हो रहा है, इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है जिसको सकस एंटेरिकस कहते हैं, सकस एंटेरिकस या स्यूकस एंटेरिकस। ये कहां से आता है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आ रहा है। सबसे पहली बात इंटेस्टाइनल ग्लैंड से हमें मिलता है इंटेस्टाइनल जूस जिसको कहते हैं सकस एंटेरिकस। और इसमें भी भैया एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते होंगे, आज जो तरीका बता रहा हूं ना याद करने का तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। इलियम इज द कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मैडम जी, है ना। अब एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, क्या बता दिया ये आपने, ट्रिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, कोई भी नहीं बताता इतना तो। सर क्या कर रहे हो आप, फाउंडेशन पढ़ रहे हो ना तुम आजकल की नई, ये नए इंडिया के बच्चे हैं, तुम नए इंडिया के बच्चे हो, बदलता भारत। तो सर ये याद कैसे होंगे, अरे भैया बहुत आसान है, तमाला चाइनीज सीख रहे हैं आज हम, सूली, तमाला सूली हो गया यार, तबला होता है ना, तमाला सूली। तो ट्रिप्सिन अमाइलेज, ट्रिप्सिन माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, तमाला सूली, या आ हटा दो इसमें से और आसान कर दे, तमला सूली। अब याद रहेगा तमला सूली नाक पकड़ के बोलना, तमला सूली हो जाए काम। तो तमला सूली, टी स्टैंड फॉर ट्रिप्सिन, एम स्टैंड फॉर माल्टेज, ला स्टैंड फॉर लैक्टेज, सू स्टैंड फॉर सुक्रेज, ली स्टैंड फॉर लाइपेज। हमें पता है ताली अगर हमने याद कर लिया था साइटोकाइनिन इज द डिवीजन ऑफ, अब हम टॉपिक से भटक जाएंगे यहां पर, है ना। तो तमला सूली क्या है, ट्रिप्सिन माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज लाइपेज। साइटोकाइनिन तो भैया टॉपिक से भटकने वाली बात हो गई यहां पे, ठीक, जो सेल के डिवीजन में हेल्प कर रहा है वो साइटोकाइनिन है। तो प्लांट हॉर्मोन पे तो अभी हम पहुंचे नहीं है भाई, प्लांट हार्मोन हटा भी दिए गए तुम्हारे यहां से। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है भाई, ट्रिप्सिन विल वर्क ऑन दी प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टोन में, और जो रिमेनिंग पेप्टोन्स थी, यहां देखते रहना क्या होगा, पेप्टोन्स को पेप्टाइड में, और जो पेप्टाइड्स बनती चली जाएंगी, जो पेप्टाइड्स बनते चले जा रहे हैं उनको ये कन्वर्ट करेगा द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अमाइनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स में। तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोटीन का फाइनल, प्रोटीन यहां से शुरू हुआ है और फाइनल डेस्टिनेशन जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है वो अमीनो एसिड्स होती है। तो प्रोटीन, जो बची हुई प्रोटीन थी वो पेप्टोन में, जैसे ही पेप्टोन में कन्वर्ट हुई पेप्टाइड्स में, और जो सारी पेप्टाइड्स है वो सारी की सारी अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ट्रिप्सिन का काम होता है। राम राम गुर्जर जी, हेलो, ठीक है। तो प्रोटीन पेप्टोन में, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो प्रोटीन की फाइनल डेस्टिनेशन होती है अमीनो एसिड, ये काम ट्रिप्सिन का है, ठीक है। अगर तुमको ये तामासुली याद रह गया ना, तो तुमको ये भी याद रह जाएगा कि इलियम में डाइजेशन कैसे होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग साहिल उमराव। बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं मगर हमें कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, है ना, हम तो 11-12 तक ही सीमित हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हेल्पिंग हियर,
आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मतलब MBBS स्टूडेंट हैं, दैट्स रियली ग्रेट एंड यू ज्वाइंड हियर, आई एम रियली ग्रेट। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए और आपके आगे के भविष्य के लिए। आप बहुत अच्छे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के एक अच्छे डॉक्टर बने और जैसी कोरोना जैसी बीमारियां हैं इनसे हमें हमारे देश को निजात दिलाएं और पूरे वर्ल्ड को निजात दिलाएं। फ्यूचर में भी अगर ऐसा रहे बहुत अच्छे, जो भी आपने सपना देखा है अपना, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर। ठीक है, माल्टेज की बात करते हैं। माल्टेज देखो, हमने स्टार्च का ब्रेकडाउन देखा था कि अमाइलेज क्या कर रहा है, अमाइलेज उसको माल्टोज में ब्रेक कर रहा है। यहां पर जितना भी माल्टोज आएगा, जितना भी माल्टोज आया था स्टार्च का, जो अभी तक माल्टोज में ब्रेकडाउन हुआ था, वो जितना भी माल्टोज आएगा उस माल्टोज का सिंपल सॉल्युबल ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतना ही याद रख लो, पूरी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि टेंथ में ही हो तुम लोग, सिंस साहिल जी यहां है तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो माल्टोज यहां ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो जाएगा यहां पर। ओके, लैक्टेज, लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर कहां होती है, दूध पीते हम, दूध पीते हम, है ना, दूध पीते हैं ना भाई, तो दूध के अंदर होती है लैक्टोज शुगर। वो लैक्टोज शुगर जो हम पी रहे हैं, लैक्टोज शुगर जो हमारे पास है, दूध जो पीते हैं हम, उसमें से लैक्टोज शुगर हमें मिलती है। ये लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, इसको भी हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सॉल्युबल ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज की एक फॉर्म बता रहा हूं यहां पर। ऐसे ही चीनी वगैरह मीठी चीजें खाते हो तो उसमें सुक्रोज होती है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, अब यहां पर ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स ऑल फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों में कन्वर्ट होती है। तो आप ग्लूकोज भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा आपका। टेंथ लेवल पे इतना डिटेल में नहीं है कि फ्रक्टोज लिखो, गैलेक्टोज लिखो, ग्लूकोज लिख दोगे। जितने भी टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, तो ग्लूकोज भी लिख दोगे आपका यहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये तीनों के तीनों यहां पर फाइनली कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए है। ओके, नेक्स्ट लाइपेज, यहां लाइपेज की बात चल रही थी अभी। लाइपेज, जितना भी बॉडी में इमल्सिफाइड फैट्स था वो सारा का सारा फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हालांकि एक पूरी साइकिल है, इसकी एक पूरी साइकिल है जो हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलती है, जहां पर मोनोसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड, डाईसैकेराइड इनकी बात होती है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, उस डिटेल में हम लोग ने इतना नहीं कूदना है हमें, यहां तक ही ठीक है। तो इलियम में है डाइजेशन, देखो फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम, उसमें ही डाइजेशन होता है। तो सारा का सारा जो डाइजेशन हो रहा है वो यहां पर हो गया है। ठीक है, लाइपेज ने कर यहां तक, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में फाइनल डाइजेशन हो गया, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाइनल डाइजेशन हो जाता है। तो यहां तक फाइनल डाइजेशन हो गया। अब फूड का एब्जॉर्प्शन होना है, कैसे होता है भैया फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ठीक है, बहुत आसान है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में देखो दो चीजों में मिक्स होता है, पहली बता, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में फूड का एब्जॉर्ब हो जा, या व्हेन फूड, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इनटू ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो इलियम के अंदर ही होता है। कैसे होता है, इलियम के अंदर भैया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको कहते हैं विलाय। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना शुरू करूं तो ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको कहते हैं विलाय। दीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड द लैक्टील्स। ठीक है, तो विली क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। जब फूड ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अब जितना भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है, देखो बेटा विलाय होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो इलियम के अंदर ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जैसे ये इलियम है तो यहां पर ये कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती हैं,
जो सर्व जहां से जहां पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं, और ये जो विलाय होती हैं इनके अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहां से ये जो फूड डाइजेस्टेड है, फूड यहां से मूव करेगा और इन ब्लड में यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, विलायस आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज, और फूड यहां से ज्यादा एब्जॉर्ब होता चला जाएगा। जितना भी डाइजेशन हुआ है, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल एब्जॉर्प्शन होगा वो विलाय के अंदर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, हर जो विलाय होती है, विलस बोल सकते हैं सिंगुलर के लिए, ये एक एपिथीलियम से कवर्ड रहती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज की मैं बात कर रहा हूं, यहां कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, और लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, यहां पर आप देखो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा होगा। ये एक विलाय का स्ट्रक्चर दिया है आपको, ठीक है, ये आपको विलाय का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस विलाय के अंदर देखो क्या है, ये रेड कलर से ब्लू कलर से जो आपको दिख रही है ये है कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज, ये है कैपिलरीज। ठीक है, और इसमें एक ही पिंक कलर की और ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये है लिम्फ वेसल, इसको बोलते हैं लैक्टील, इसको बोलते हैं लिम्फ वेसल या लैक्टील। ठीक है, तो लैक्टील में तो जितना फैट्स डाइजेस्ट हुआ है, फैटी एसिड और ग्लूकोज, सारा का सारा लैक्टील में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सारा कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारे के सारा। ठीक है, फिगर बड़ा करूं, रुक जाओ भाई, फिगर तुम्हें बड़ा करके दिखा देते हैं यहां पर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये विलाय हो गई, ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये दोनों ब्लड का, ये तो ब्लड कैपिलरीज ही होंगी, और ये जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम लैक्टील कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल है। ये जो लिम्फ वेसल है इस लिख देता हूं, चलो लिम्फ वेसल, ये तो डाइजेस्ट करेगी फैटी एसिड, एब्जॉर्ब करेगी फैटी एसिड्स को, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को, और ब्लड कैपिलरीज विल एब्जॉर्ब रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिख दे रहा हूं, कार्ब्स प्रोटीन्स एटसेट्रा, वो सारी चीजें ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेंगी। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए, तो ये मैं बता रहा था आपको, ग्लूकोज अमीनो एसिड मिनरल विटामिन ये सब तो ब्लड वेसल एब्जॉर्ब कर लेती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लैक्टील यानी लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब करती है। लिम्फ वेसल, कंफ्यूज नहीं होना, लिम्फ वेसल। ठीक है, तो ये सब एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है, इस तरीके से यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, एब्जॉर्प्शन हो गया यहां पर। अब एब्जॉर्प्शन का लास्ट प्रोसेस है, जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इलियम से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां पर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा, कोई डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं हो रहा, इसका सीधा सीधा लेना वाटर से है। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें पास होगा, तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये अनडाइजेस्टेड फूड यहां पे दिखाया गया है एक एनिमेशन की मदद से। ठीक है, ग्राफिक्स की मदद से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जिस पोर्शन में जा रहा है उसको कोलोन कहते हैं, कोलोन में जाएगा, ट्रेवल करेगा, यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, और लास्ट पोर्शन जो होता है इस पोर्शन को कहते हैं रेक्टम। यहाँ थोड़ी समय के लिए अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता रहता है, और इसकी जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एनस, और एनस के थ्रू जब सही समय आता है ना, सुबह शाम दोपहर रात जब भी जिसका जब आता है, समय आने आने की बात है, वो फूड यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सब का सब फिसीज की फॉर्म में है ना रेक्टम में स्टोर होता रहता है, एंड इजेशन होता है एनस के थ्रू, और इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट को हम डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स अवर एब्जॉर्प्शन पार्ट, एब्जॉर्प्शन यहां तक हो गया। अब इसको जो अनडाइजेस्टेड पार्ट के रिमूवल को क्या कहेंगे, ठीक है, वो मुझे बताओ। अभी हमें डेफिकेशन में
इस अनडाइजेस्टेड वेट को, वेस्ट को बाहर निकालने में रफेज बहुत हेल्प करते हैं। रफेज को कहते हैं फाइबर्स। फाइबर्स हमें मिलते हैं सैलेड से, फ्रूट से, तो हमें अपने फूड के अंदर सैलेड्स और फ्रूट्स की मात्रा अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हमें फाइबर डाइट मिले और स्टूल्स, हमारे बाउल मूवमेंट प्रॉपर रहे। मैंने अभी पूछा था रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड को कहते हैं इजेशन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज इजेशन। जितना भी अनडाइजेस्टेड, अनएसिमिलेटेड, यूज हुआ हुआ पोर्शन है फूड का, अनयूज हुआ हुआ पोर्शन है फूड का, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड द एनल एपरेचर एज अ फीकल मैटर। तो जो भी आप करते हैं ना, येलो, ब्लैक, ग्रीन, जो भी सबकी है स्थिति, डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसी तरीके से बाहर आ जाता है और इसी को कहा जाता है इजेशन। तो यहां पर अब हमने, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, हमने आज न्यूट्रिशन पूरा कर दिया है, हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया इसको कंप्लीट करने में, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो डाइजेशन के तुरंत बाद वाला है। मेरे को बताओ क्या है, क्या कहते हैं उसको, डाइजेशन के तुरंत बाद हम, रेस्पिरेशन है या वो ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है, मुझे बताओ। फिर हम आगे आगे धीरे धीरे पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस के जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक, आज हमने डाइजेशन कर लिया, न्यूट्रिशन पूरा कर लिया है, अब हम रेस्पिरेशन करेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन निपटा देंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीशन पूरा का पूरा निपटा देंगे ठीक इसी तरीके से। तो सारी अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक मिलेगा जहां पर ये पूरा का पूरा नोट्स, जिससे मैंने आज आपको पढ़ाया है, मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक छोटी सी भेंट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी, रेगुलरली क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी वेल, आई विल बी वेरी वेरी रेगुलर एंड आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट, बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज आई विल प्रोवाइड यू हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर।